पापा मम्मा फिर पुलाव बन के हो गया रेड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपनी खाओ मौसी क्यों को खानी आप। हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स सास बहू रेसिपी व्लॉग। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो अब हो गया है गुड आफ्टरनून। सो गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे एंड हम सभी यहाँ पे एकदम मस्त हैं। तो अभी हमारा नहाना धोना सबका डन हो गया, काम तो मम्मी ने कर लिया था सारा। तो जो लोग बोलते हैं कि मैं झूठ बोलती हूँ, मैं अपने मायके जाके बहुत काम करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने मायके में कोई काम नहीं करती हूँ, इतना लेट उठती हूँ बहुत ही ज़्यादा, तब तक काम पूरा हो चुका होता है, तो मेरे लिए कुछ बसता ही नहीं है काम करने का। और कभी कभी मैं खाना बना देती हूँ, मेरे को मन करता है कि हाँ मैं थोड़ा खाना बना देती हूँ, ये सब्जी मैं बना दूंगी वो सब्जी मैं, तो बस मैं उतनी ही चीज़ें बनाती हूँ, बाकी मैं कुछ काम नहीं करती यहाँ पे। तो ऐसे मत बोलिए कि मैंने बोला था कि मैं अपने मायके जाके कुछ काम नहीं करती, कुछ मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं करते, जितना जितना काम हो सकता है उतना करते हैं। खाना बनाना हो जाता कभी तो बना देते हैं, नहीं तो मम्मी ही बना। आज मैंने सूट वेयर किया क्योंकि आज थोड़ा सा ठंडा है, मौसम गर्म नहीं है, इसलिए मैंने सूट डाला, नहीं तो मैं नहीं डालती। तो अभी हम जा रहे हैं सम्मुख के लिए कपड़े लेने के लिए, मेरे लिए भी बोल रही हूँ मम्मी, देखते हैं पसंद आ गया तो ठीक है, चलते हैं देखते हैं। चल सम्मुख कपड़े देखने आई मम्मी, ये अच्छे लग रहे हैं। को पकड़ने छोड़ी आ रहे हैं ये 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 ना ना थोड़ी बहुत होती है तो लाया ही नहीं है, लंबाई पूरी आती है में हाथ नहीं बताना ही अच्छे लग रहे हैं। कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ला दूँ मैं। ये लूज लूज बढ़िया है, ये लूजर्स अच्छी है, ये वाले ठीक लग रहे हैं। हाँ इस अच्छा लग रहा है। हाउ हाउ वहाँ पे गत्ते फाड़ने लग गया था। हमें कपड़े दिखा दो समुदाय, ऊपर देख। हेलो ए नहीं किसी का नुकसान मत कर दियो, दुकानदार बन गया जो। अभी अपने लिए सूट देख रही हूँ, मम्मी दिला रही मुझे, तो ये मुझे नायरा कट एक ये पसंद आया, एक ये लेवेंडर कलर में भी पसंद आया। आई डोंट नो कंफ्यूजन हो रही है कौन सा लूँ। इधर आ इधर आ, तो हम आ गए समुकले कपड़े लेके। मैं अपने लिए भी ले रही थी बट मुझे पसंद नहीं आया सब कुछ। खास समुकले ये वाला पीस लिया जो हम देख रहे थे, मुझे पसंद आ रहा था तो ये ले लिया मैंने। मम्मी ने लिया है समुके लिए, रक्षाबंधन के लिए गिफ्ट दिया उसे यहाँ आने का, और मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया इतना। तो अभी हम घर पहुँच गए, कहीं और से देखूंगी, मुझे यहाँ अभी इतना खास पसंद नहीं आया। दो आए थे बट इतने सो सो थे, खास पसंद नहीं आए, बाद में देखूंगी अपने लिए देखूंगी। तो ऐसे बहुत सूट हैं, सूट नहीं चाहिए हम कैश ले लेंगे तुझसे, ठीक है? पहले मैं सूट पसंद करके आऊंगी दुकान में, जितने का वो सूट होगा मैं तुझसे कैश ले लूंगी, कह रहा है कितने का सूट था मुझे कैश दे दी। आप सब लेटे हुए हैं, सब मुख खेल रहा है, तो वो कहीं से भी आ जाएगा। चलो बाय कर दो, बाय बाय। क्या बना रही है? पापा मम्मा दादा दादी वन दो थ्री फोर फाइव सेवन
8. A for apple, B for go, C for da, D for do, E for ice, F for आज नहीं बोला तो F for I for ice, I for I. कैसे घुस रखे सारे सम्मो भी घुस रखा उनके साथ ऐसी सेम. पुलाव बन के हो गया रेड, साथ में है सैलेड, इसमें हमने घी भी डाला है. आज हम भी खाना खाएंगे, इधर बैठ. सिट डाउन. आई लव पुलाव. मुझे पुलाव दे दो डेली डेली, मैं खा लूंगी. ले चम्मच लेके खड़ा और का दोनों, और दे भी नहीं रहा किसी को भी चम्मच. सो गाइस अब खाना पीना हो गया, डन. तो अब चलते हैं नीचे, थोड़ा थोड़ा आराम करते. सम्मो को भी नींद आ रही है, उसकी नानी ले गई उसको नीचे, मैं नीचे. सो गाइस अब होगी इवनिंग, एंड इवनिंग के बज रहे हैं 6:30. तो मैं अभी नीचे से ऊपर आई, हम नीचे सोते हैं सुबह एंड शाम को. आज तो मौसम ठीक है फिर भी, बट फिर भी मेरे को सूट में अनकम्फर्टेबल हो रहा था, इसलिए मैंने उतार दिया टी शर्ट पहन ली. तो आज शाम को बनने वाले हैं हमारे घर में कोफ्ते, क्योंकि परसों मम्मी घिया की सब्जी बनाने आती थी, तो मम्मी को मैंने बोला घिया की सब्जी मत बना, अच्छी होती है वैसे, पर मैंने बोला मत बना, मैं कोफ्ते बनाऊंगी. 3 दिन ऐसे डिले होता रहा होता रहा, तो मम्मी ने आज बोला, तो इतने दिन से बोल रही थी आज बना दे कोफ्ते की सब्जी, तो मैं आज कोफ्ते की सब्जी बनाने वाली हूँ. मम्मी अभी घूमने के लिए गई हुई है, तो चलिए बनाते जल्दी जल्दी, क्योंकि कोफ्ते में टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा. तो शुरू करते हैं कोफ्ते बनाना. तो कोफ्ते बनाने की स्टार्टिंग कर दी मैंने. यहाँ पे सामान निकाल लिया मैंने, लौकी छील ली अच्छे से धो के, अब इसे कद्दूकस कर लेती हूँ. यहाँ पे मैंने बेसन निकाल दिया है घोल बनाने के लिए, कोफ्ते के पकोड़े जो बनाने हैं उसके लिए. यहाँ पे मैंने मसालों का घोल बना के रख दिया ताकि अच्छे से भीग जाए पहले, इसलिए बना के रख दिया. मैंने बेसिक मसाले इसमें धनिया हल्दी मिर्ची नमक और थोड़ा सा बेसन डाला है 1 चम्मच, ताकि ग्रेवी जो है थिक हो जाए. एंड ये ले लिया मैंने प्याज, इसमें से कुछ प्याज पकौड़े में डालूंगी मैं बारीक बारीक काट के, और ये 2 मिर्ची है जो ये भी मैं पकौड़ों में डालूंगी. साथ में यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए हैं और 2 मिर्ची ले लिए हैं स्पाइसी करने के लिए हल्का इसको. तो अब शुरू करते हैं, सबसे पहले से कद्दूकस कर लेती हूँ. तो यहाँ पे लौकी कद्दूकस कर लिए मैंने, अब इसे निचोड़ूंगी अच्छे से, पानी निकालूंगी इसका. एंड साथ में यहाँ पे मैंने प्याज भी कद्दूकस कर लिया इसमें डालने के लिए पकौड़ों में, क्योंकि ना क्रंची क्रंची से बनते हैं प्याज, डालने से ना बड़ा अच्छा बनता है. तो मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ पकौड़े के लिए. तो मैंने इसमें मिला दिया है लौकी का पानी निकाल दिया, थोड़ा सा प्याज का भी पानी निकाला हल्का हल्का, मिर्ची काट दिया, धनिया मिला दिया है हरा धनिया. तो अब इसमें मसाले मिक्स करते हैं. सबसे पहले मिक्स करते हैं नमक, मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी, हल्दी थोड़ी सी डालूँगी, लाल मिर्च. तो इसमें मैं 1 चम्मच ये डाल रही हूँ पहले, और 1 चम्मच और, तो मैं यहाँ 3 चम्मच डाल रही हूँ करीबन. यहाँ पे मैंने रिफाइंड भी रख दिया गरम करने के लिए, जब तक पेस्ट बनेगा तब तक तो ऑयल गरम हो ही जाएगा. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. तो यहाँ पे मैंने पकौड़े का पेस्ट बिल्कुल रेडी कर लिया है. अब मैं जब तक तेल गरम हो रहा है मिर्चा कट कर लेती हूँ. तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, तो अब बनाते हैं पहले पकौड़े. कढ़ाई बड़ी है तो इसमें मैं ज़्यादा पकौड़े डाल रही हूँ, जितने पक सके एक साथ, इतना टाइम कम लगेगा पकौड़े बनाने में, क्योंकि इन्हें पकने में अभी टाइम लगेगा. वो तो तेल गर्म था इसलिए ब्राउन जल्दी हो रहे हैं. तो हिलाते हैं इसको, देखो
ब्राउन होने भी लग गए क्योंकि तेल गर्म था ना स्टार्टिंग में, तो मैंने अब कम कर दिया है गैस, बाकी को नहीं लाऊंगी मैं। तो यहाँ पे पकौड़ों में ब्राउन कलर आ गया, तो इतना ही पकाना है हमने अपने पकौड़ों को, तो अब इनको निकाल लेंगे। तो इसी तरह सारे पकौड़े बना लेंगे बाकी के भी हम। तो यहाँ पे मैंने सब्जी भी कट कर ली है और यहाँ पे लहसुन कूट के रख दिया, तो अब पकौड़े जैसे ही बनते हैं फिर बनाती हूँ सब्जी। तो यहाँ पे आटा गूंद दिया है मैंने साथ में, यहाँ पे चोकर रख देते हैं, आटा रख देते हैं एक्स्ट्रा यानी, एंड आटे को रख देते हैं ढक के। तो मेरा समलू भी आ गया है नीचे उल्टे काम करने, गुम्मी गुम्मी करके छत से। तो पकौड़े बन के हो गए हैं डन, तो अब बनाते हैं सब्जी। तेल थोड़ा सा गर्म होने देंगे, हल्का डालेंगे जीरा, दोनों खेल रहे हैं यहाँ पे, मौसी और बेटा। ए बुंडी बुंडी है, तो अब फ्लैश जल गया है, तो अब इसमें डालेंगे हम ये मलाई, क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए मलाई डाली मैंने। आपके पास क्रीम होता आप क्रीम डाल सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और पकने देंगे थोड़ी देर, जब तक हमारे टमाटर अच्छे से गल ना जाए। तो टमाटर गल गए हैं अच्छे से, तो अब इसमें डालेंगे पहले पानी, ज़्यादा नहीं बनानी ग्रेवी तो इतना ही डालूंगी, इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े भी डाल दिए लौकी के, तो बस कोफ्ते बन के रेडी हैं, बिल्कुल 5-10 मिनट लगेंगे और इसे पकने में इसके साथ, ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो भी थोड़े थोड़े भीग जाए, फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे मम्मी आ गई, अब पूजा कर रही है, घूम के आ गई, सब मम्मी लगा पूजा करने पर। समझी ए समझी ए, कैसे करते पुच्ची कैसे करते, और एक्टिंग कैसे करते। तो यहाँ पे कोफ्ते बनके हो गए रेडी, साथ में रोटी खाने के लिए खाते हैं रोटी, सबको खिला दिया मैंने। इसको देखो गली में कैसे भाग रहा है हमारा रात को, देखो कहाँ जा रहा है। आराम से आराम से। किसे भाग रहा है दीदी, दीदी भाग मत करो गिर गया ना दीदी है। कहाँ जा रहा है इधर आदि, एक्टिंग आ रहे हैं आइसक्रीम, तो समो को देखो मेरी आइसक्रीम ले ली, तो चाट रहा उसके लिए कटोरी वाली मंगाई है फिर भी मेरी ले ली। आइस समु क्या खा रहा है, आइस आइस बोलो अपनी खाओ, मौसी क्यों को खानी है आपको। सो गाइज आप वीडियो को एंड कर देते, होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।